प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों को संकलन अमृत राय द्वारा संपादित किया गया है जिसमें 1910 से 1936 ईस्वी तक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई प्रतिनिधि कहानियाँ शामिल हैं। इन कहानियों को निश्चित क्रम में पढ़ने से प्रेमचंद की संपूर्ण कहानी यात्रा की प्रामाणिकता तस्वीर स्पष्ट होती है शुरू में कहानियां साफ तौर पर दैवघिन आदर्शवाद पर आधारित हैं जबकि अंतिम कहानियाँ उस बिंदु को छूती है जहाँ उनका आदर्शवाद से मोह भंग हो गया था तथा वे चरम आदर्शवाद की ओर बढ़ने लगे थे प्रेमचंद की कहानियों के इस संकलन में कुछ कहानियां सार्वकालिक महत्व की हैं, जबकि कुछ कहानियां उनकी विकास यात्रा को समझने की दृष्टि से सही है सबसे पहले हम उन सभी कहानियों का परिचय प्राप्त करेंगे यह महत्वपूर्ण कहानियों पर विस्तार में चर्चा की जा रही है गौण कहानी व सिर्फ परिचयात्मक विवरण दिया जा रहा है बड़े बड़े घर घर की 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 बेटी, की बेटी 1910 इस की पहली महत्वपूर्ण कहानी बड़े घर की बेटी है जो 1910 सौ ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई कथा सागर कथा सार, एवं संवेदना इस कहानी में बेनी माधव सिंह के नाम के जमींदार हैं जिनके दो बेटे हैं श्रीकंठ व लाल बिहारी सिंह श्रीकंठ सिंह का विवाह एक बड़े घर की बेटी आनंदी से हो गया जो बहुत कम समय में अपनी नई परिस्थितियों के अनुसार ढल जाती है एक बार घी के अपवा को लेकर लाल बिहारी सिंह आनंदी को डांटता है और बात आगे बढ़ने पर अपना खड़ा उसकी ओर फेंकता है आनंदी इस अपमान को नहीं सह पाती है श्रीकंठ की गहरी आस्था संयुक्त परिवार व्यवस्था में है उसने कई परिवारों को टूटने से बचाया भी है किंतु अपनी पत्नी का यह वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और परिवार छोड़ने की वह घोषणा कर देता है अंततः आनंद ही परिवार को टूटने से बचाती है और इस महानता को देखकर बेनी माधव सिंह कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं स्पष्ट है कि यह कहानी संयुक्त परिवार तथा हृदय परिवर्तन जैसे पारंपरिक मूल्यों पर आधारित है जिन्हें आगे चलकर स्वाधीनता आंदोलन में अत्यधिक महत्व दिया गया शिल्प।, शिल्प क्या होता है जहाँ तक शिल्प का प्रसन्न एक कहानी का कथानक बेहद सरल, बेहद सीधा सरल और रैखिक है इसकी गति में वक्रता अतिरक्षा पर नजर नहीं आता है ध्यान से देखें तो इस कहानी में कुछ बिंदुओं पर सघन नाटकीय तनाव की सृष्टि की जा सकती है की की जा सकती थी, किंतु प्रेमचंद कहानी कला का शुरुआती स्तर होने के कारण इसका शिल्प उतना सदा हुआ नहीं है जितना उनकी बाद की कहानी में नजर आता है चरित्र मोटे तौर पर पारंपरिक है यद्यपि श्रीकंठ और आनंदी लाल बिहारी तीनों चरित्र में मानसिक द्वंद्व दिखाया गया लेकिन चरित्र अभी भी पारंपरिक मान्यताओं के प्रतिनिधित्व पर नजर आते हैं उनमें स्वतंत्रता विकास स्वतंत्रता व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सका है कहानी की भाषा सरल और सहज है मनोविज्ञान का प्रयोग प्रेमचंद ने विशेष तौर पर किया है मुख्यतः नारियों के सामूहिक मनोविज्ञान के संबंध संद में उदाहरण के लिए कहानी का एक मुख्य वाक्य है आनंदी स्त्रियों के अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं कहीं कहीं वाक्य प्रयोग किया है जैसे सुंदर संतान को कदाचित माता पिता भी अधिक चाहते हैं अपनी शैली के कारण प्रेमचंद बीच बीच में महत्वपूर्ण टिप्पणियां करते हुए चलते जैसे जैसे मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है ऐसे स्थानों पर कहीं कहीं उनकी उपदेशात्मक प्रवृत्ति भी हावी होने लगती है हास्य व्यंग का सुंदर प्रयोग भी इस कहानी में किया है उदाहरणार्थ श्रीकंठ जब श्रीकंठ और उनके पिता में झगड़े की संभावना हुई तो गांव के लोग झगड़ा देखने के लिए आतुर होने लगे प्रेमचंद ने उनकी मनोवृत्ति को स्पष्ट करते हुए लिखा कि दोनों पक्षों की मधुर वाणियों को सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी मूल्यांकन स्पष्ट है कि बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की कहानी और मिक्सर के प्रतिनिधित्व कहानी है इसमें दिखने वाला आदर्शवाद नैतिकवाद और परिवारवाद आरंभिक प्रेमचंद की मूल विशेषता है शिल्प के स्तर पर विश्व पाठ कथानक सीधी चरित्र योजना सरल हिंदुस्तानी भाषा व सामूहिक मनोविज्ञान जैसी प्रवृत्तियों का प्रयोग आरंभिक प्रेमचंद की प्रतिनिधि शिल्पगत विशेषता को व्यंजित करने वाली विशेषताएँ हैं